ये देखिए दोस्तों, मैं आपको आज एक पेशेंट का औषधि बना रहा था तो सोचा कि एक वीडियो बना दो आपके लिए भी। ये बहुत सारे जड़ी बूटी हैं जिनके मिश्रण से मैं आप पेशेंट के लिए एक दवा बना रहा था। ये देखिए कुछ औषधियों को, और ये देखिए ये घुटना में जो दर्द देता है उसका ये तेल है, और कई तरह के तेल मैं बनाता हूँ औषधीय तरीक़ा से, जिसका उपयोग, ये शिवलिंगी का बीज है, अभी इसका ये देखिए, ये सारे जड़ी बूटी औषधि हैं जो कि अलग अलग बीमारी में काम आते हैं, तो अलग अलग बीमारी के लिए अलग अलग तरीक़ा से इनका, और बहुत सारे और जड़ी बूटी है। ये तो मैं एक पेशेंट के लिए दवा बना रहा था तो सोचा कि आपके लिए भी एक वीडियो बना दूं ताकि आप भी देख करके इसका फ़ायदा उठाएं। तो आपको अगर किसी तरह का कोई अगर दवा चाहिए तो किसी भी बीमारी के लिए, जैसे किसी को डायबिटीज़ है या आर्थराइटिस है, साइटिका है, माइग्रेन है, या किडनी में स्टोन हो गया है, या फिर जैसे ये देखिए ये पनीर का फूल है, किसी को गैस्ट्रिक का बीमारी है या अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, खाना खाते हैं लेकिन पचता नहीं है, सेहत में नहीं लगता है, या बहुत ज़्यादा मोटापा बढ़ गया है, थायराइड का समस्या है, और महिलाओं में PCOD का समस्या रहता है तो उसके चलते भी बच्चे नहीं होते हैं, या पीरियड का समस्या रहता है, तो इस तरह का किसी भी समस्या के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और घर से बना हुआ औषधि, घरेलू औषधि जो हाथ से बना हुआ जड़ी बूटी है, ये औषधि कभी आपको खराबी नहीं करेगा क्योंकि ये आयुर्वेदिक औषधि है। इसका सेवन आप कर सकते हैं, सेवन कैसे करना मैं आपको बता दूंगा। मेरा नंबर है 7352594373। एक बार और नोट कर ले दोस्तों, 7352594373 ये मेरा नंबर है, तो इस नंबर पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं। और इसको खाना भी बहुत आसान है, इसको आप एक चम्मच जब मैं बना के दूंगा आपको तो उसको आप पानी में उबाल करके उसका पानी आप सुबह में खाली पेट पिएं, या शाम में भी पी सकते हैं, वो मैं आपको बता दूंगा। सबके लिए अलग अलग समय है और अलग अलग तरीका है। ये देखिए तेल को बताया था मैंने आप, तो बस यही सब है। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं ताकि और भी जो आपके संबंधित लोग हैं, आपके परिजन हैं, उनको फ़ायदा हो सके। धन्यवाद दोस्तों।